ओम नमः शिवाय स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छे पुत्र धन प्राप्ति के उपाय बता रहा हूँ साथ ही आठ भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा सोमवार के दिन बहुत ही अच्छा योग बन रहा है आठ राशियाँ अभी भाग्यशाली हैं साथ ही सोमवार के दिन पुत्र धन प्राप्ति का यह उपाय जरूर करना चाहिए इससे सभी राशि वालों का भला होगा सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी कोई भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो आपको भगवान शिव का पूजन जरूर करना है सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें अभिषेक करते समय ओम शिवाय मंत्र का जाप करें उसके बाद में एक फल लेना है और वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है एक फल लेकर के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और साथ ही आपको पांच बेलपत्र लेने हैं पांच बेलपत्र लेने हैं ओम नमस्वाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को समर्पित कर देंगे साथ ही एक कमल पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो कमल पुष्प लें नहीं तो आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए धतूरे या आग के पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर दें इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी ग्यारह लोंग और एक आग का पत्ता ग्यारह लोंग पर आपको सहद लगा देना है साथ ही थोड़ा सा आपको केसर लेना जो खाने वाला होता है और केसर ग्यारह लौंग उस पत्ते पर रख करके के भगवान शिव को समर्पित कर देना है ओम शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने आपको चौमुखी दीपक जलाना है फिर शिव चालीसा का पाठ करना है एक दीपक पीपल वृक के नीचे जला करके आपको परिक्रमा करनी है सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा साथ ही चूरमे का प्रसाद बना करके इस दिन भगवान शिव को समर्पित करें आज के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं इस दिन आठ राशियां बेहद ही भाग्यशाली हैं मेष राशि मिथुन राशि कर्क राशि सिंह राशि कन्या राशि राशि कुंभ और मीन राशि ये राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है तो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करिए और ग्यारह गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाइए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो